साधनों के बारे में हम कुछ रीड किया था कल। सो स्टूडेंट्स ओपन योर बुक पेज नंबर 253। पेज नंबर 253 अपने क्या किया था कल, हमने लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में रीड किया था कि लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कि जो साधन भूमि पर चलते हैं उनको क्या बोलते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में भी हमने रीड किया था कि जो पानी के ऊपर साधन चलते हैं उनके बारे में रीड किया था, जैसे कि शिप बोट स्टीमर एसेट्रा, ये क्या है, पानी के ऊपर चलते हैं। ओके, आज हम करने जा रहे हैं एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में रीड। सो स्टूडेंट्स ओपन योर बुक पेज नंबर 253। पेज नंबर 253 यू कैन सी इन द बुक फर्स्ट पैराग्राफ, एयर ट्रांसपोर्ट मीन्स हवाई परिवहन। आज हम किसके बारे में रीड करेंगे, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में रीड करेंगे, जो कि हमने ग्रेड सेकंड में भी किया था, है ना। सो लिसन केयरफुली, एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर हवाई परिवहन के क्या है, साधन है। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हवाई परिवहन का सबसे तेज साधन है ये। पैसेंजर एरोप्लेन्स कैन बी बिग और स्मॉल, कि जो यात्री हवाई जहाज, यात्री जो है हवाई जहाज बड़े या छोटे हो सकते हैं, मतलब जो जिनमें मतलब यात्री बैठते हैं ना हवाई जहाज में, वो छोटे या बड़े भी हो सकते हैं। दे कैरी 52-200 पैसेंजर्स एट ए टाइम, वे क्या करते हैं इसमें, एक बार में 50 से 200 यात्री सवार हो सकते हैं। दे नीड ए वेरी बिग स्पेस टू टेक ऑफ एंड लैंड, उनको किस लिए, उन्हें उड़ान भरने और उतरने के लिए क्या चाहिए, बड़ी जगह चाहिए। आगे देखो, इट कैरीज टेक ऑफ एंड लैंड, ए हेलीकॉप्टर इज ए स्मॉल एयरक्राफ्ट, जो हेलीकॉप्टर है वो क्या है, एक छोटा विमान है। इट टेक्स ऑफ एंड लैंड्स इन वेरी स्मॉल स्पेस, और इसको उड़ान भरने और उतरने के लिए क्या चाहिए, छोटा सा स्पेस चाहिए, छोटी जगह चाहिए। इट कैरीज 5-6 पर्सन्स एट ए टाइम, ये क्या करती है भाई, एक बार में 5 से 6 आदमियों को ले जा सकती है। एयर ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या है कि ये सबसे महंगा साधन है, एयर मतलब एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। यस, इंडिया हैज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ एयर बेस एंड एरो एयरपोर्ट्स, क्या है, भारत में वायु मार्ग और हवाई अड्डों का एक बड़ा नेटवर्क है। एयरपोर्ट्स आर प्लेसेस वेयर एरोप्लेन्स लैंड एंड टेक ऑफ, क्या है, हवाई अड्डे वे साधन है जहां हवाई जहाज उतरने और उड़ान भरने भरते हैं। आपने देखा होगा कि हवाई जहाज जब लैंड करते हैं, मीन्स लैंड ऑफ करते हैं या मतलब नीचे उतरते हैं, टेक ऑफ करते हैं, तो क्या होता है, उनको एक बड़ा स्पेस चाहिए। आप देखते हो ना, कई मतलब सेकंड्स या मिनट्स तक तो वो नीचे ही चलता रहता है, फिर धीरे, और फिर उसके बाद ऊपर से वो क्या करता है, उड़ान भरनी शुरू कर देता है। तो इसके लिए उनको क्या चाहिए, एक बड़े स्पेस की क्या होती है, जरूरत होती है, बड़े जगह की जरूरत होती है, वो ऐसी मतलब सड़कों पे नहीं चल सकते, ठीक है। तो आगे देखो, इन विलेजेस पीपल ट्रेवल ऑन फुट और ऑन बुलक कार्ट्स एंड बाइसाइकिल्स, अब क्या है, विलेजेस के अंदर आपने देखा होगा गांवों में क्या है, एरोप्लेन्स चलते हैं, नहीं चलते, तो वो क्या करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो पैदल चलते हैं, कुछ क्या होते हैं बैलगाड़ियों पर चलते हैं, और कुछ क्या करते हैं साइकिल पर क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। मैनी विलेजेस आर कनेक्टेड बाय रोड्स ऑन व्हिच बसेस प्ले, क्या है, कई गांव में क्या है, सड़क, कई गांव जो है सड़क से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए क्या होते हैं वहां बसेस चलती हैं। नो अडेज मैनी वेल ऑफ विलेजेस हैव ट्रैक्टर्स कार्स एंड जीप, आजकल क्या है भाई मतलब जो ग्रामीणों के पास क्या है, संपन्न जैसे कि ट्रैक्टर कार्स और क्या होती है, जीप होती है, तो वो क्या करते हैं उनके ऊपर चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके मतलब जो गांव में रहते हैं उनके पास ज्यादातर क्या होता है, ट्रैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जीप होती है, तो क्या करते हैं वो
इनके द्वारा क्या होते हैं, एक स्थान से क्या है दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एट मैनी प्लेसेस एनिमल आर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ कैरिंग पीपल एंड देयर थिंग्स। आपने देखा होगा कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ की क्या होता है कि एनिमल्स में जानवरों का उपयोग किया जाता है सामान ले जाने के लिए और सामान लाने के लिए, और एक स्थान से जो वो क्या करते हैं दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो क्या करते हैं एनिमल्स का यूज करते हैं। आगे देखो, कैमल आर यूज्ड इन डेजर्ट, कि रेगिस्तान में किसको यूज करते हैं, कैमल को यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि रेतीली जगह होती है और रेतीली जगह पे कौन चल सकता है आसानी से, कैमल चल सकता है। सो आगे देखो, कैमल आर यूज टू कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। की अब कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि वो रेगिस्तान में सबसे तेज चल सकता है और बिना पानी के कई दिनों तक भी रह सकता है। आगे देखो, एलिफेंट्स आर यूज्ड टू मूव अराउंड इन द थिक फॉरेस्ट। अब एलिफेंट जो होते हैं वो घने जंगलों में क्या होते हैं आराम से चल सकते हैं, घूम सकते हैं वहां। तो क्या करते हैं जो वो लोग होते हैं वो एलिफेंट्स के ऊपर चढ़कर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लकड़ियां वगैरह बैंबू वगैरह क्या है ये सामान को ले जाने के और ले आने के लिए काम में लेते हैं। पीपल इन द हिल्स यूज मूल्स एंड पोनीज टू ट्रेवल। अब जो हिल्स पे रहते हैं, पहाड़ियों पे लोग रहते हैं, आप कुल्लू मनाली देहरादून रोहतांगगंज मंसूरी यहाँ जाते हो तो आपको क्या है कई बार ये क्या होते हैं पोनीज और मूल्स आपको दिखाई देते हैं। वो क्या करते हैं आपको, आप उनके ऊपर बैठ के क्या है कुछ स्थानों को देखने के लिए, इंटरेस्टिंग स्थानों को देखने के लिए भी जाते हो। तो क्या है आपको नीचे इसमें पिक भी दी हुई है, आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा नीचे की तरफ देख लीजिए बुक में। तो सो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इसकी आपको पीछे एक्टिविटी दी हुई है पेज नंबर 254 पर एंड पेज नंबर 255 पर। सो स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा तो आपकी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।